मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कल रविवार को पांचवें चरण के लिए मतदान होगा। पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में जन समर्थन की आंधी चल रही है। पांच चरण में ही भाजपा पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ चुकी होगी। इसके बाद छठवें व सातवें चरण का मतदान होते ही 300 पार के लक्ष्य से भी आगे होगी। सीएम योगी शनिवार को पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पूर्व की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, खाद, कारखाना, एम्स, चीनी मिल, विश्वविद्यालय, कॉलेज का निर्माण कराने, रोजगार की व्यवस्था करने, हर वर्ग को सम्मान देने, शासन की योजनाओं का बिना भेदभाव सबको लाभ देने के साथ ही हर तीर्थ स्थल का विकास कर उसे दर्शनीय बनाया। सीएम योगी ने पूर्व की सपा सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि वर्तमान में हर एक क्षेत्र का विकास करने वाली दमदार सरकार है, दंगाइयों का साथ देने वाली सरकार नहीं। प्रदेश वही है और प्रशासन भी वही है। पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, ईद बकरीद पर तो बिजली आती थी लेकिन होली दिवाली पर गुल रहती थी। पश्चिम में बेटियां स्कूल नहीं जाती थी, महिलाएं बाजार नहीं निकल पाती थी, कसाई दरवाजे से मवेशियों को उठा ले जाते थे। आज ना तो दंगे होते हैं और ना ही कर्फ्यू लगता है। दंगा करने वालों की फोटो सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हो जाती है। दंगाई व अपराधी गले में तख्ती लटका कर चलते हैं कि हम ठेला लगाकर सब्जी बेच लेंगे लेकिन हमारी जान बख्श दो। गौ माता को बचाने के लिए सभी बूचड़खानों को बंद करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में भय मुक्त वातावरण कायम हुआ है। अगर गुंडे सत्ता में आएंगे तो फिर वही करेंगे जो वे 5 साल पहले करते थे। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव, मथुरा, वृंदावन व बरसाना में भव्य रंगोत्सव और काशी में विहंगम देव दीपावली का आयोजन होता है। प्रदेश को एक बार फिर ऐसी ही सरकार की जरूरत है, दंगाइयों का साथ देने वाली सरकार की नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के एक हाथ में विकास है और दूसरे हाथ में अपराधियों की छाती पर चलने वाला बुलडोजर है। यह सिलसिला जारी रहेगा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की भरपूर आपूर्ति को लेकर जनता से संवाद किया। उन्होंने सवाल किया, 2017 के पहले बिजली आती थी क्या? जनता के बीच से एक स्वर में जवाब मिला, नहीं। मुख्यमंत्री ने फिर पूछा कि अब आती है या नहीं, आवाज गूंजी हाँ। इस पर सीएम ने कहा, पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं। सीएम योगी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को सिलसिलेवार गिनाते हुए कहा कि अभी तो यह शुरुआत मात्र है, आगे बहुत सी सौगात मिलने वाली है। कोरोना संकट काल में सरकार ने मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज व मुफ्त वैक्सीन की सुविधा दी, किसी से एक पैसा नहीं लिया। सपा व बसपा की सरकार में ऐसा नहीं कर सकते थे। कोरोना संकट काल से ही सबको 2 बार मुफ्त राशन, रिफाइंड तेल, दाल, चीनी व नमक मिल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सपा व बसपा की सरकार भी ऐसा कर पाती? जनता ने जवाब दिया, नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमने तय किया है कि होली व दिवाली में मुफ्त रसोई गैस भी देंगे। गरीब कन्याओं की शादी के लिए सरकार 51,000 देती है, जिसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खातों में 1,100 रुपए भेजे गए। यूनिफॉर्म, बैग, कॉपी किताब, जूता, मोजा, स्वेटर सब कुछ उन्हें मुफ्त मिला है। एक बार फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या 2017 के पूर्व भी यह मिलता था? उत्साहित जनता ने कहा, नहीं। कन्या सुमंगला योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी की जन्म से पढ़ाई तक के लिए सरकार 15,000 रुपए देती है, इस धनराशि को बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कन्या सुमंगला योजना से 11 लाख बेटियों को लाभ मिल रहा है। सीएम योगी ने यह भी घोषणा की कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। योगी ने कहा कि अन्नदाता किसानों के लिए तमाम योजनाओं को चलाने के साथ ही सरकार ने एक और व्यवस्था की है, फसलों को बचाने के लिए गौवंश आश्रय स्थल खोले गए हैं। इसके साथ ही अब उसके गोबर का सदुपयोग किया जाएगा। अभी रसोई गैस भरवाना पड़ता है,
आने वाले दिनों में गोबर गैस की सप्लाई घर घर सुनिश्चित की जाएगी। इससे गौवंश का संरक्षण भी होगा, यानी गौ माता भी बचेंगी और अन्नदाता किसानों की फसल भी। सीएम योगी ने कहा कि सरकार यूपी में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बना रही है। भाजपा सरकार ने बिना भेदभाव पूरी पारदर्शिता से 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। अब फिल्म सिटी से यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। फिल्म सिटी का उल्लेख करते हुए वह मंच पर बैठे गोरखपुर के सांसद अभिनेता रवि किशन को लेकर थोड़े चुटकुले अंदाज में आ गए। उन्होंने कहा कि अब पूर्व मंत्री पप्पू जायसवाल, विधायक महेंद्र पाल सिंह और भाजपा नेता राधेश्याम सिंह भी रवि किशन के साथ फिल्मों में काम करना चाहते हैं। यहाँ की महिलाएं भी फिल्मों में काम करने के लिए इच्छुक हैं। सीएम के इतना कहते ही पूरे परिसर में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल के दौरान पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के खाते में आई उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हमने पिपराइच में 2-2 विश्वविद्यालय दिए। प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास राष्ट्रपति के हाथों कराया गया। क्या कोई सोच सकता था कि पिपराइच क्षेत्र में राष्ट्रपति आएंगे। इसके साथ ही बालापार में भी गुरु गोरखनाथ के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। अब यहां के युवाओं को मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेद आदि किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिपराइच को चीनी मिल का उपहार भी मिला है। इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ITI, बिजली, सड़क, पुल, आवास, राशन कार्ड आदि सुविधाओं की लंबी श्रृंखला है। आने वाले समय में जिनके आवास रह गए हैं उन्हें तो आवास मिलेगा ही, जिनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है उन्हें भी पट्टा देकर मकान का उपहार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह होता है विकास और आप सभी को ऐसी ही सरकार की जरूरत है जो विकास की नजीर पेश कर सके। मुख्यमंत्री ने जनता से गोरखपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में गोरखपुर की 9 में से 8 सीटें हमने जीती थी। इस बार हमें सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करनी है। सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों सभी से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। गोरखपुर की 9 सीटें जीतने पर पिछली बार 325 की बजाय हम 330 पार की स्थिति में होंगे। उन्होंने लोगों से पहले मतदान फिर जलपान के मंत्र का स्मरण भी कराया। जनसभा में पिपराइच के विधायक व प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह, पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, बीज प्रमाणीकरण संस्था के उपाध्यक्ष राधेश्याम सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह आदि ने भी अपनी बात रखी।